ആറാം വയസ്സിൽ മരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അന്നേ മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. हाय फ्रेंड्स, वेलकम माना वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक और फाहिद फासिल की मूवी जिसका नाम है मलिक। और फाहिद फासिल भी दोस्तों एकदम मूवीज की फैक्ट्री खोल के बैठे हुए हैं, और जैसे ही उनका नाम आता है किसी भी मूवी से तो स्काई हाई एक्सपेक्टेशन हो जाती है, एकदम एरोप्लेन जितनी हाई हो जाती है। तो आज हम एग्जैक्टली यही बात करेंगे कि मूवी की स्टोरी लाइन क्या है, कैसी है, एक्टिंग कितनी अच्छी हुई है, क्या इस बारी कुछ डिफरेंट लेके आए हैं फाहिद फासिल, और आपको ये देखनी भी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, क्या ये मूवी कोई नई चीज ऑफर करती है कि नहीं करती है। तो दोस्तों बेसिकली ये जो कहानी है, ये कहानी तो मैं आपको बोलूंगा आपने शायद इस तरीके की स्ट्रगल की कहानी फिर राइस की कहानी देखी होगी बहुत सी बारी, बट जिस तरीके का नरेशन यहाँ पर रखा गया है वो मुझे काफी ज्यादा बेहतरीन लगा, क्योंकि ये कहानी बेसिकली सुलेमान मलिक की है। और ये सुलेमान मलिक दोस्तों एक दूर बैठा हुआ कोस्टल एरिया के अंदर देखता रहता है कि क्या ना इंसाफी हो रही है लैंड माफिया की उसके एरिया के अंदर, और कैसे वो गरीबों के ऊपर अत्याचार करके और गलत तरीके से गलत पेपर से सारा हताते जा रहे हैं लैंड, और उसके अंदर पुलिस भी उनका साथ दे रही है। एक दिन इसके सबर का बांध जो होता है ये टूट जाता है और ये उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है, और कहीं ना कहीं लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगता है कि हम इनके खिलाफ लड़ भी सकते हैं, आवाज उठा भी सकते हैं, और उनको हिम्मत हौसला देता है। तो इससे प्रेरित होकर और जो गांव होते हैं वो भी इसके साथ जुड़ जाती है, और ये आवाज जो होती है एक रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाती है, और ये रेवोल्यूशन से भाई साहब का हो जाता है दिमाग थोड़ा सा खराब। अब ये आओ भी नहीं देखता, ताओ भी नहीं देखता, और एकदम जानवर बन जाता है। इसके तरीके बहुत ही अजीब से हो जाते हैं, लेकिन इसका इंटेंशन सही है, जिसकी वजह से लोग इससे डरने लग जाते हैं। जो एक मसीहा होता है वो एक राक्षस कब बन जाता है लोगों को समझ में नहीं आता, और ये राक्षस ऐसा नहीं है कि ये बुरे कर्म करता है, ये बुरे लोगों को मारता है जरूर है, लेकिन इंटेंशन इसकी सही है। इतनी खौफनाक इसका नया रूप देख के इसकी माँ भी जो होती है दोस्तों एक किस्म से वो डर जाती है, और इसको कहीं ना कहीं बोलती है कि यार आपने ट्रेलर में भी सुना होगा कि बचपन में 6 साल में ये मरने वाला था, और अगर मर जाता उसी टाइम में तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि इसकी माँ भी डर जाती है। मैं रेफरेंस ट्रेलर का इसलिए दे रहा हूँ कि कोई मैं स्पॉयलर नहीं देना चाहता, और इसके बाद दोस्तों इसका एक टर्न अराउंड होता है, और उस टर्न अराउंड को आपको एक्सपीरियंस करना है मूवी के अंदर। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इसके बारे में, बट ये जो टर्न अराउंड है ये काफी 360 डिग्री टर्न अराउंड दिखाया है इसका मूवी के अंदर, कि एक हर चीज की एपिटोम आती है, हर चीज का एक पिनिकल आता है हर चीज करने का। आप जैसे कई बार बहुत लोग शराब पीने लग जाते हैं और उसके बाद बहुत मस्ती मजाक करने लग जाते हैं, अपने जीवन को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, बट वो मस्ती मजाक सब कुछ करने कराने के बाद एक एपिटोम आता है जो रजनीश भी कहा करता था, और उसके बाद आप एकदम पलट जाते हैं और पटरी पे आ जाते हैं। तो जब ये पटरी पे आता है तो ये जेन्युइनली आ पाता है, क्या इसके आसपास के लोग इसको पटरी पे रहने देते हैं, यही सारी चीजें आपको देखो इस मूवी के अंदर एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं। और फाहद फासिल ने हर रोल को इतना बेखूबी तरीके से निभाया, क्योंकि इसके अंदर इनके 3 रोल हैं। अब आप बोलेंगे कि ट्रिपल रोल नहीं है, इनके 3 तरीके के रोल है। एक रोल वो ये है जो साइलेंट तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या अत्याचार हो रहा है, फिर जब वो इंस्पायर करने लगता है लोगों को तो एक लीडर की तरह वो कैसे सामने आता है और एकदम मतलब मसीहा टाइप बन जाता है। और तीसरा एक और इसका रोल हो जाता है जहां पर ये टोटल जानवर सा बन जाता है, जहां पर थोड़ा सा वैशीपन इसका दिखता है। और हाँ, एक चौथा रोल भी है जिसका लिंक दोस्तों वो टर्न अराउंड से है, वो मैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा नहीं तो स्पॉइलर हो जाते हैं। तो आप ये सब जब देखोगे आपको काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगेगी, दिल दहलाने वाली लगेगी, आपके काफी सारे इमोशंस जो हैं वो ट्रिगर होंगे। अब बात करते हैं कि दोस्तों इसकी स्टोरी लाइन कितनी ज्यादा इंप्रेसिव है। मुझे ऐसा लगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं इसकी स्टोरी लाइन थोड़ी सी थिन है, और जब आप मूवी की टोटल लेंथ देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद कहीं ना कहीं अभी ये ड्रैग होने लग गई है। तो ये फाहिद फासिल की टिपिकल मूवीज की तरह नहीं है जहां पर समय जो है बिल्कुल ही टाइटली पैक्ड रहता है, यहां पर स्टोरी बीच बीच में स्लिप होती है, वो आप खुद भी विटनेस करोगे। ये मूवी को और शॉर्टन किया जा सकता था, मेरी समझ के हिसाब से 1.5 घंटे में ये पूरी मूवी को खत्म किया जा सकता, तो ये इसका एक डाउन साइड। दूसरा दोस्तों ये है कि फाहिद फासिल का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ है, वो चाइल्डहुड से हुआ है, तो आप उसकी स्टोरी तो बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, उसके हर एक्शन को आप समझ पाते हो, और उसकी जो टर्न अराउंड वाली जो मैं बात कर रहा हूं वो टर्न अराउंड भी क्यों होता है वो उससे भी आप रिलेट कर पाते हो अच्छे से, जो कि अच्छी न्यूज है। बट बाकी किसी कैरेक्टर से आप बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पाते हो, वो प्लेस होल्डर्स रह जाते हैं। और लास्टली अगर मुझे एक छोटी सी कंप्लेंट है कि जिस तरीके का एग्जीक्यूशन यहां पर रखा गया वो थोड़ा सा जो पुराने जमाने की साउथ इंडियन मूवी होती थी जो थोड़ी सी ओवर द टॉप होती थी, चाहे वो लड़ाई के सीन हो जाए चाहे वो डायलॉग्स की बात हो जाए, तो ये जो है थोड़ा सा इसका डाउनसाइड रह गया है कि थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल रखा गया जो कि ज्यादा एकदम इंपैक्टफुल नहीं डाल पाया मेरे दिमाग में।
आज के जमाने के हिसाब से, अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज नाइस। तो वन टाइम वॉच तो फॉर श्योर है, तो मैं इस मूवी को दोस्तों स्कोर दूंगा B+। जो स्ट्रगल की कहानी है, उठने की कहानी है, वो आपको इंप्रेसिव लगेगी। और एक ही इंसान जब 3-4 तरीके के किरदार एक ही मूवी में वेरिएशन दिखाता है तो आप उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। स्टोरी थोड़ी सी ड्रैग लगी, इस वजह से मैं ओवरऑल बेसिस पे एज अ प्रोडक्ट इसको B+ दे रहा हूँ। तो Amazon Prime पे आई हुई है, ये हिंदी लैंग्वेज में भी नहीं है, आप देखिए इसको इजीली समझ में आ जाएगी। कोई डायलॉग्स बहुत तेज तेज नहीं बोले गए, तो जितनी देर में आप एक्सप्रेशन पढ़ेंगे नीचे इंग्लिश में सबटाइटल्स पढ़ेंगे आपको मोटा मोटा सब कुछ समझ में आ जाएगा। हिंदुस्तानी है, एक्सप्रेशंस भी वही हैं, हाव भाव वही हैं, तो ज्यादा मुश्किल नहीं होती कुछ भी समझने के लिए। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड वी शैल मीट वेरी वेरी सून।